हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x-20=0। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 20 आता हो, प्रोडक्ट -20 एंड एडिशन 8। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 10 एंड 2। ठीक है, देखो प्रोडक्ट इसका 20 आ रहा है बट -20 दिया है, इसलिए यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। एंड 2 - 10 - 2=8। देखो तो 10 एंड -2 ये दो यहाँ पे नंबर हो गए। अभी इन दो नंबर को यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x - 2x - 20=0। अभी देखो कॉमन निकालेंगे फर्स्ट दो टर्म से। एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? एक्स प्लस 10, यानी यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकलेगा? -2 कॉमन निकलेगा। एंड यहाँ पे देखो क्या है? एक्स रहेगा प्लस 10=0। अभी देखो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, क्या है कॉमन? एक्स प्लस 10 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x-2=0। x=-10 और x=2। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी क्या क्या करना है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? 10x। ठीक है, ए वाला नंबर 10, बाद में एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 10, माइनस ऑलरेडी दिया है तो 2 यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी साइन दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 10 दिया है, यहाँ पे x-2 लिखेंगे। x=- क्या आया? -10। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने 10 लिखा है, देखो यहाँ पे आप 10x आना चाहिए। ठीक है, हो गई हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x²-5x+3=0। ठीक है, अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे, -5x+3=0। यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब b²-4ac फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax²+bx+c=0 से। ठीक है, a = यहाँ पे आएगा 4, b = -5, c = 3। अभी देखो b² - 4ac = b² मतलब -5² - 4, एज इट इज़ a की वैल्यू है 4 एंड c = 3। -5² = 25, -4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। तो 25 - 48 = 23, -23। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे हम, b क्या आया है हमारा? -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 देन b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दिया है, 4 लिखना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में देखो -48 के पहले एक ब्रैकेट दिया है आपको, यहाँ पे आएगा 25 एंड 25 - 48, फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे -23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²+kx+54=0 इज -6, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। -6 इस इक्वेशन का रूट दिया गया है, तो इसलिए -6 को हम इसमें पुट कर सकते हैं। देखो x²+kx+54=0, x = -6 पुट करेंगे, x = -6। देखो -6² + k - 6+54=0, -6² 36, देखो माइनस एंड प्लस है तो -6k + 54=0, देन -6k 36 + 54 + 90=0, माइनस को उस साइड भेज देते हैं तो 90=6k
90 अपॉन 6 इक्वल टू के, 6 से अभी डिवाइड करेंगे, 6 वन ज़ा 6 एंड 3 रहेगा, 6 फाइव ज़ा 30, तो के इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 15। अभी यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो लेट्स टेक एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस 6, देन माइनस 6 के पहले है 36, देन माइनस 6 के प्लस 90 आएगा यहाँ पे, एंड के इज़ इक्वल टू फाइनल 50। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू डिसाइड वेदर वन इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और नॉट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे वन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट होना मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो LHS को लेंगे हम पहले, इक्वेशन की LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ये 4 का आंसर है, इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमें रूट है या नहीं है चेक करना है, इसलिए 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 देखो इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू किसके साथ आ रहा है, RHS। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो व्हेन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1, LHS में प्लस 4 इंटू यहाँ पे आएगा 1, देन 1 प्लस 4 यहाँ पे 5, 5 माइनस 5 0। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया गया है आपको, 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब 3 इंटू 5 15, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका प्रोडक्ट 15 होना चाहिए एंड दो नंबर की एडिशन 8 चाहिए, तो कैसे कौन से दो नंबर है, 5 एंड 3। देखो प्रोडक्ट 5 3 ज़ा 15 एंड 5 प्लस 3 8, यहाँ पे दो नंबर हम एडजस्ट करेंगे, 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5p प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देखो इन दोनों में से कॉमन क्या, 3p अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, p प्लस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म में से 5 को कॉमन निकालेंगे तो p प्लस 1 इक्वल टू 0, बाद में जो कॉमन टर्म है उसको अलग से लिखेंगे p प्लस 1 एंड ये दो टर्म एक साथ लिखेंगे, 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देखो p प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3p प्लस 5 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 और 3p इज इक्वल टू माइनस 5, मतलब p इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 इज माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का रूट दिया है माइनस 3 एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को देखो, आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर, सिर्फ एक्स की जगह पे हमने माइनस 3 पुट किया है, माइनस के इंटू माइनस 3 माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, देन 3k 9 माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू माइनस 6 उस से जाएगा तो प्लस 6, देन k इज इक्वल टू 6 एंड a वाला 3 हमने नीचे भेज दिया तो 6 अपॉन 3, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टू जार 6, तो के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है, 2, तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 एंड माइनस 5 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 एंड माइनस 5, मतलब यहाँ पे बीटा हमें दिया है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू दिया है 4 एंड बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है माइनस 5। ठीक है, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे,
अल्फ़ा प्लस बीटा 4 - 5 इक्वल टू -1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 - -5 इक्वल टू -20। अभी देखो अल्फ़ा एंड बीटा अगर टू रूट्स होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अभी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है -1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -20 इक्वल टू ज़ीरो। देखो एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है 1 × x मतलब सिर्फ हम यहाँ पे x भी लिख सकते हैं एंड प्लस माइनस अगेन माइनस -20 इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। रूट्स कैसे है रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रूट्स रियल एंड इक्वल है मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो जनरल फॉर्म लिखा है यहाँ पे ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है y क्यों लिया है क्योंकि इक्वेशन हमें y में दिया है। ठीक है अभी देखो a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू k c इज इक्वल टू 12। अभी b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल आपको दिया गया है। अभी देखो b मतलब क्या है k तो k² - 4 a है 3 × 3 एंड c हमें दिया गया है 12 इक्वल टू 0। k² - 4 × 3 12 एंड 12 × 12 मतलब 12² इक्वल टू 0। k² इक्वल टू -12² उस साइड जाएगा +12² देखो k इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट निकाल देते +-12। ठीक है ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -4 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है रूट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 and -4 मतलब यहाँ पे आपको अल्फ़ा दिया है 5 and बीटा इज इक्वल टू दिया है -4। ठीक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू क्या होगा 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 5 × -4 इक्वल टू -20। अभी क्या करना है जब अल्फ़ा एंड बीटा टू रूट्स होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखो x² - α+β (x+α β) इक्वल टू 0। सिर्फ अभी वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की तो x² - α+β क्या आया है 1 1x + α × β -20 इक्वल टू 0। अभी x² - 1 × x, x + -20 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।